Hi and welcome to lesson number 2 of section number 8. इस lesson में basically मैं आपसे बात कर रहा हूँगा project management plan के हवाले से. Generally जब भी हम किसी से बात करते हैं project planning के हवाले से, तो जो पहला जिक्र आता है वो आता है project management plan का. लोग समझते हैं कि यार project management plan जो है कोई single document है. देखिए basically अगर मैं sum up करूँ तो मैं कहूँगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इज़ अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि इसके अंदर प्लानिंग के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंटेन कर रहा होता है. तो मैं कहता हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एक फाइल है जिसके अंदर मल्टीपल, या जैसे PMI डिफाइन करता है, सब्सिडरी जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं. जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो है वो ये बताता है कि हम इस पूरे प्रोजेक्ट को कैसे लेके चलेंगे, हम इस प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, कंट्रोल करेंगे और क्लोज करेंगे. जनरली हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान वो डॉक्यूमेंट है जिसको स्पॉन्सर या मैनेजमेंट अप्रूव करेगी कि हाँ जी हम इस प्रोजेक्ट को इस तरह से या इस किराए पे या इन मैट्रिक्स के हवाले से जो है वो चलाएंगे. फिर जब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की तो हम कहते हैं जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो है वो हमारे पास प्लानिंग का जो एक प्रोसेस है, डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, उसका आउटपुट है. डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का जो प्रोसेस है वो हमारे पास इंटीग्रेशन मैनेजमेंट नॉलेज एरिया का दूसरा प्रोसेस है, जिसमें बेसिकली हमारे पास अगर हम देखें तो 4 मेनली इनपुट्स हैं. एक इनपुट उसका प्रोजेक्ट चार्टर है, दूसरा जो मेरी इस बात को वैलिडेट करता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, तो आप देखेंगे दूसरे इनपुट पे लिखा होगा आउटपुट्स फ्रॉम अदर प्रोसेसेस. तो जो आउटपुट ऑफ अदर प्रोसेसेस हैं वो क्या होंगे, वो जो जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर आपको स्कोप मैनेजमेंट प्लान या रिस्क मैनेजमेंट प्लान या और बहुत सारे प्लान जो है वो नजर आएंगे. जैसे इनफैक्ट PMI ने अपनी PMBOK के पेज नंबर 78 पर जो उसने चार्ट बनाया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स का, उसमें उसने तकरीबन 16 डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिफाइन किए हैं एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान. तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे 4 इनपुट्स हैं वो क्या हैं, प्रोजेक्ट चार्टर है, आउटपुट्स फ्रॉम अदर प्रोसेसेस हैं, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट है, कि हम इस प्रोजेक्ट को कैसे जो है वो चलाना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट में हमारे मैट्रिक्स क्या होंगे, तो वो हम यहाँ से देख लेते हैं. फिर हम कहते हैं जनरली हमारे पास 2 यहाँ पर इनपुट हैं, एक है एक्सपर्ट जजमेंट का और एक दूसरा हमारे पास फैसिलिटेशन टेक्निक जो उन्होंने बेसिकली जगह जगह ऐड किया हुआ है एज अ टूल PMBOK 2012 की जो है हमें वो तोहफा मिला है, और जो मेनली आउटपुट है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का. तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इनपुट्स एंड टूल, आई एम गोइंग टू डायरेक्टली टॉक अबाउट दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान दोबारा आइट्रेट करता हूँ वो क्या है, प्रोजेक्ट प्लान इज बेसिकली अ बेसिस ऑफ ऑल प्रोजेक्ट वर्क. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान मुझे गाइड कर रहा है कि मैंने अपने प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट, कंट्रोल और क्लोज करना है. जनरली जब मैं बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो है वो कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो क्या है, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसको मैं फाइल भी कह सकता हूँ. जैसे जब मैंने फिडेलिटी के लिए काम किया तो वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को हम कहते थे प्रोजेक्ट डेफिनेशन रिपोर्ट. इसी तरह हमारे एक प्रोजेक्ट पे जो है लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को प्रोजेक्ट हैंडबुक कहते हैं. इसी तरह सिमेंस में जब वो SAP की इंप्लीमेंटेशन करने आए तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को प्रोजेक्ट चार्टर भी कहते हैं. तो हर ऑर्गेनाइजेशन ने इसका कोई ना कोई नाम जो है वो रखा हुआ है कि जी हम कर रहे हैं. जैसे मैंने एक दफा पढ़ा था कि जी PRINCE2 से PID भी कह रहा है प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, बट आई विल लुक इनटू इट कि वो मतलब ये बात कहाँ तक सच है. बट जो मैंने उसके आर्टिकल को और चीज़ों को पढ़ा, और इनफैक्ट जिससे कि इस कोर्स में मैंने एक टेक अवे भी रखा हुआ है कि मैं आपको जो है वो PRINCE2 की इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आई एम टारगेटिंग कि ड्यूरिंग दिस कोर्स ही जो है मैं PRINCE2 को भी पास कर लूँ और देख लूँ, पास नहीं करूँ तो एटलीस्ट गो थ्रू कर लूँ, कि क्योंकि मैंने पहले तो देखा था लेकिन इट्स बीन लाइक 2-3 ईयर्स कि मैंने दोबारा उसके कॉन्टेंट को रिव्यू नहीं किया है. तो हम उसको देख लेते हैं कि वो किस तरह से जो है वो मैप कर रहा होता है. फिर हम कहते हैं कि यार जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है चूंकि वो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, तो उसमें किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आते हैं. PMI ने तो अपने PMBOK के पेज नंबर 78 पर 16 डॉक्यूमेंट्स जो है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में डिफाइन कर दिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन डॉक्यूमेंट्स को मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ. एक कैटेगरी जो मैं कहता हूँ वो है बेस लाइन्स की, विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. बेस लाइन्स क्या है हमारे पास, कि जनाब स्कोप बेस लाइन है, स्केड्यूल बेस लाइन है, कॉस्ट बेस लाइन्स हैं, जिसके ज़रिए मैं अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करूँगा और कंट्रोल करूँगा. दूसरा जो हमारा कैटेगरी है वो बेसिकली हमारे पास है प्रोजेक्ट प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स. प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स मुझे गाइड करते हैं कि मैंने काम कैसे करना है. जनरली PMBOK ने हमें जो है वो 8
प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं। आठ में से जो है बेसिकली छः के तो प्रोसेसेस हैं, बल्कि छः के नहीं, इनफैक्ट पाँच के प्रोसेसेस हैं, बाकी जो हैं वो हमारे पास जो है वो किसी प्रोसेस का हिस्सा हैं, या दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी प्रोसेस में डिफाइन नहीं हुए हुए, वो जनरल हमारे पास जो है डिस्कशन में या किसी प्रोसेस की डिस्क्रिप्शन में जो आए हुए हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि प्लान स्कोप मैनेजमेंट का हिस्सा हैं या आउटपुट हैं, वो हैं हमारे पास रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान एंड स्कोप मैनेजमेंट प्लान, ये मैं कहता हूँ कि ये प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर हमारे पास पीएमआई ने ही डिफाइन किया लेटेस्ट इस पीएमबी 2012 में स्कोप मैनेजमेंट प्लान के बाद स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान एंड कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान। तो जनरली हमारे पास ये जो चार प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान एंड स्कोप मैनेजमेंट प्लान, जो कि हमारे पास प्लान स्कोप मैनेजमेंट का आउटपुट है, और स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान और कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, ये क्या है हमारे पास प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स। ये हमें बताते हैं कि हमें लेट्स सपोज स्कोप कैसे डिफाइन करना है, या स्केड्यूल कैसे डिफाइन करनी है, या कॉस्ट कैसे डिफाइन करनी है, उस पर चेंजेस कैसे लेकर आनी है, उसको एक्सेप्ट कैसे कराना है, उसको वेरीफाई कैसे कराना है। तो ये सारे प्रोसेस इन्फॉर्मेशन लिखी हुई, इसके अंदर काम क्या होगा, काम कैसे करना है, काम क्या होगा, काम के अंदर क्या नेटिग्रिटीज है, उसकी बात नहीं हो रही, इसमें प्रोसेस की बात हो रही है। फिर हमारे पास जो है एक और इसी हवाले से जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है रिस्क मैनेजमेंट प्लान, जिसके अंदर हम बता देंगे जनाब हम अपने प्रोजेक्ट के रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, रिस्क की डेफिनेशन क्या होती है, हाई रिस्क क्या है, लो रिस्क क्या है, हम ये बात करते हैं। क्वालिटी के हवाले से हमारे पास प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान आता है। तो बेसिकली जो ये मैंने आपको छः प्रोसेसेस छः डॉक्यूमेंट्स बताए, कौन कौन से वाला, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, स्कोप मैनेजमेंट प्लान, स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, रिस्क मैनेजमेंट प्लान और प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान, ये तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोसेसेस के आउटपुट्स हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो दो प्रोसेसेस हैं जैसे कि चेंज मैनेजमेंट प्लान या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान, ये बज़ाहिर किसी प्रोसेस का आउटपुट नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है ये हमारे पास जो है वो किसी ना किसी प्रोसेस में इसकी डिस्क्रिप्शन है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आठ डॉक्यूमेंट्स हैं, दोबारा दोहरा रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको बार बार याद रहे, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, स्कोप मैनेजमेंट प्लान, स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, रिस्क मैनेजमेंट प्लान, फिर आपके पास है प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान, चेंज मैनेजमेंट प्लान, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान, ये आते हैं प्रोसेस में काम करना कैसे। फिर मैंने एक और मज़ेदार नाम दिया जिसे मैं कहता हूँ हाइब्रिड डॉक्यूमेंट्स। हमारे पास टोटल पांच हाइब्रिड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, जिसके अंदर प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है और प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है। जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान के अंदर ये भी लिखा है कि हम क्वालिटी कैसे डिफाइन करेंगे, क्या टूल होंगे और इसकी क्वालिटी क्या होगी। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान के अंदर ये भी लिखा है कि हमारे प्रोजेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होगा, हमारे प्रोजेक्ट में कितनी रिसोर्सेज होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स क्या होगा, रिसोर्स हिस्टोग्राम क्या होगा, और साथ साथ हमें स्टाफिंग मैनेजमेंट प्लान का प्रोसेस भी दिया हुआ है कि भाई रिसोर्स को कैसे एक्वायर करना है, कैसे रिवॉर्ड देना है, कैसे उसको रिलीज करना है, तो वो प्रोसेस भी इसमें डिफाइन किया हुआ है। इसी तरह हमारे पास है तीसरा कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान, चौथा हमारे पास है प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान, और पांचवा हमारे पास है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान। तो ये जो पांच मैनेजमेंट प्लान हैं ये बेसिकली प्रोसेस के साथ साथ आपको प्रोजेक्ट की जो है वो इन्फॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं। तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है वो हमें बता रहा है कि हमने प्रोजेक्ट को कैसे चलाना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये एक सिटिंग में भी नहीं बन रहा है, ये मल्टीपल प्रोसेसेस के आउटपुट से हमारे पास आ रहा है, और इनको मैंने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, वो है बेस लाइन जिसके अंदर आते हैं स्कोप बेस लाइन, स्केड्यूल बेस लाइन, कॉस्ट बेस लाइन। दूसरा हमारे पास है प्रोसेस डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हमारे पास मैंने कहा कि आठ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, स्कोप मैनेजमेंट प्लान, स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, रिस्क मैनेजमेंट प्लान, फिर हम बात करते हैं प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान, फिर हम बात करते हैं चेंज मैनेजमेंट प्लान एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान की। फिर मैंने कहा कि जी हाइब्रिड जो है इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स, और हाइब्रिड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, जिसके अंदर प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन भी और प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन भी, और हाइब्रिड डॉक्यूमेंट्स पांच हैं जो कि मैंने आपको बताया कि जी क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान है हमारे पास, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान है, और फिर इंपॉर्टेंटली हमारे पास जो है यहाँ पर जो है वो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान है। तो दीज आर ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट वी हैव इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, जो हम बेसिकली इस पूरे प्रोजेक्ट में बना रहे होते हैं, और बेसिकली हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में अपने स्पॉन्सर से अप्रूवल भी ले रहे होते हैं कि भाई ये वो प्रोजेक्ट के मैट्रिक्स हैं, ये हमारे प्रोसेसेस है जिसके तहत हम अपने प्रोजेक्ट को जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंगली बड़ा ही जो है वो शॉर्टली ये बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में क्या फ़र्क है। थैंक यू।